हाय एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163 इस वीडियो में। अभी पहले अपने वीडियो में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब यहां पे इस वाले वीडियो में हम इसके बाहर जाएंगे और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 160 से लेके 163 तक, दूसरा वीडियो होगा ऑन सेक्शन 164 कन्फेशन पे, फिर 167 पे कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं खत्म हो पा रही है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, एंड देन 168, 169, 170, 172 एंड 173 पे एक वीडियो होगा, एंड लास्ट में आपको 174, 5 एंड 176 इस पे एक वीडियो होगा। तो इस तरीके से डिवाइड करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 12। तो इस वीडियो में 160 से लेके 163 क्या-क्या फोकस रहेगा? जैसे सेक्शन 160 है, 160 डिस्कस करता है पुलिस ऑफिसर की पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। पुलिस ऑफिसर के अंदर स्टैट्यूटरी पावर है कि किसी विटनेस की अटेंडेंस वो रिक्वायर कर सके। 161 के अंदर एग्जामिनेशन की पावर्स होती हैं कि किसी भी विटनेस को पुलिस एग्जामिन कर सकती है। 162 के अंदर एविडेंशियरी वैल्यू, जो एग्जामिनेशन हुई है, जो अपनी केस डायरी में लिखा पुलिस पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, वो साइन नहीं होगी वो सारी स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली 163 में कि कोई भी थ्रेट या इंड्यूसमेंट नहीं करेंगी पुलिस on witnesses। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हियर वी आर, पहले वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 160। कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब आप देखो अटेंडेंस रिक्वायर कहां, इन इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब हमने एफआईआर पढ़ा था तब हमने एफआईआर का सैंपल फॉर्मेट देखा था। अब याद करो जब सेक्शन 154 की वीडियो में हम लोगों ने एक सैंपल फॉर्मेट देखा था एफआईआर का, उसके नीचे लिखा था विटनेसेस इफ एनी। तो वहां पे 99% ऑफ द टाइम विटनेसेस के नाम रहते हैं, तो उनकी अटेंडेंस या किसी और विटनेस की अटेंडेंस, जो इन्फॉर्मेंट कहता है कि ये विटनेस थे वहां पे, उनकी हाजिरी पुलिस ले सकती है अंडर 160 सीआरपीसी, कि उनकी अटेंडेंस रिक्वायर कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो विटनेस है, उनको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पता होंगे, तो उससे आपको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा। अब इसकी क्या कुछ कंडीशंस होती है, अटेंडेंस रिक्वायर कर रहे हैं आप किसी विटनेस का, तो वो क्या उसकी कुछ कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहला, सच रिक्वायरमेंट और सच रिक्वायरिंग ऑफ अटेंडेंस हमेशा लिखित इन राइटिंग होनी चाहिए। जो विटनेस होगा ही मस्ट बी एक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ऐसा नहीं कि आपने विटनेस के तौर पे किसी को भी बुला लिया। जिस जो विटनेस है जिसके अटेंडेंस आप रिक्वायर करना चाह रहे हो इन्वेस्टिगेशन में, उनको केस की फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पता होनी चाहिए। अब एक और बात आती है, जैसे मैंने डिस्कस किया था 154 के टाइम, 155 में भी मैंने डिस्कस किया था कि टेरिटोरियल लिमिट जो है इसका बड़ा ध्यान रखती है पुलिस। फिर हमने मुकेश वर्सेस अनदर्स एंड स्टेट ऑफ आपको एनसीटी दिल्ली, ये भी हमने डिस्कस किया था निर्भया गैंगरेप केस, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ये इनजस्टिस हो जाता है इन टेरिटोरियल बाउंड्री के कारण। तो लेट अस सपोज ये सारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं। अब इसमें क्या होता है, ये पुलिस स्टेशन 1 है, पुलिस स्टेशन 2 है, पुलिस स्टेशन 3 है, P4 एंड P5।
क्राइम यहाँ कमिट हुआ है। अब यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है ये लेट अस से टेरिटोरियल लिमिट्स का यहाँ पे ये इसीलिए सिग्निफिकेंस है कि 160 के अंदर जब अटेंडेंस रिक्वायर करना है तो सिर्फ इसी टेरिटोरियल लिमिट के अंदर के विटनेस को नहीं, कोई भी विटनेस है लेट अस से जो एडजॉइनिंग यहाँ इस वाले में या इस वाले में या इस वाले में या इस वाले में किसी भी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन से भी विटनेस बुला सकती है। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इन सिचुएशन में अगर आ रहे हैं विटनेस तो उनकी एक्सपेंसेस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक फंड होती है उसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की फंड होती है उसके अंदर देना पड़ता है एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें हैं, ये तीन कंडीशन मेनली हैं। अब कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं 160 के अंदर, जब आप किसी विटनेस की अटेंडेंस रिक्वायर कर रहे हो आप उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं? सबसे पहला, कोई भी मेल पर्सन बिलो द एज ऑफ 15, बिलो द एज ऑफ 15 एंड अबव द एज ऑफ 65, उसकी आप अटेंडेंस रिक्वायर नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन देम इन द प्लेस वेयर दे रिसाइड, ऐसे में इनके घर पे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हो आप। और इसमें क्या क्या, वुमेन और डिसेबल्ड, डिसेबल्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, या तो फिजिकली डिसेबल्ड या मेंटली, इनकी एक्सेप्शन होती है, एग्जेम्पशन भी होती है अंडर सेक्शन 160। अब आप देखो, जैसे हमने डिस्कस किया कि रीजनेबल एक्सपेंसेस जो कई बार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो देते हैं विटनेस को। अभी मान लो कोई विटनेस को, किसी भी विटनेस की अटेंडेंस रिक्वायर की गई है बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड वो इंटेंशनली ओमिट करता है, आता ही नहीं है जानबूझकर, तब सेक्शन 174 आईपीसी ट्रिगर्ड होगी। अब सेक्शन 174 आईपीसी क्या कहता है, इसकी वीडियो हमने बनाई है, आप लॉ सीखो की प्लेलिस्ट में जाना, आप चेक करना, हमारी प्लेलिस्ट होगी ऑन इंडियन पिनल कोड, वहां पे आपको सारी वीडियोस ऑन इंडियन पिनल कोड मिलेंगी, एसेंशियल्स के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ, केस लॉज के साथ, सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक्स के। तो मैं डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ और यहाँ मैं स्किप कर रहा हूँ ऑन दिस पार्ट, मैंने सिर्फ सेक्शन लिख कर छोड़ दिया है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है एंड यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो अननेसेसरीली लंबी चली जाएगी। तो लेट अस जस्ट से सेक्शन 174, ऐसे कई सारे सेक्शन अभी ट्रिगर्ड होंगे तो मैं सिर्फ सेक्शन के नाम लिखकर आपको बता दूंगा ये सारे सेक्शन है और उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी प्लेलिस्ट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड आई सजेस्ट कि आप जाकर चेक करो ताकि आपके आंसर राइटिंग में ये आपको हेल्प करे। अच्छा ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसी भी विटनेस की अटेंडेंस रिक्वायर कर रही है, इसके लिए फोर्स या कंपल्शन नहीं वो कर सकती है। ये हम पढ़ेंगे भी, जब हम सेक्शन 163 पढ़ेंगे तब इसमें हम पढ़ेंगे कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट यूज थ्रेट और इंड्यूसमेंट। और अब मान लो अगेन किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी विटनेस की अटेंडेंस चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन में, इसमें अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये विटनेस आ नहीं रहा है, आप प्रोसेस इशू कर दो, दैट इज समन इशू करो, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा करे, ठीक है। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 160 डज नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, अगेन ये क्यों होता है ये वीडियो में हमारे डिस्कस्ड है ऑन सेक्शन 188 आईपीसी, आप जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा अब एन इन्वेस्टिगेटिंग, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन 160 कवर्ड हो गया है, अब हम जंप करेंगे सेक्शन 161 में। 160 के अंदर आपको मैं छोटा सा एक कोहेरेंस दिखाता हूँ, 160 के अंदर क्या होता है कि आप रिक्वायर कर रहे हो अटेंडेंस, रिक्वायरिंग अटेंडेंस, और 161 के अंदर आप एग्जामिन कर रहे हो विटनेस। 160 के अंदर आपने अटेंडेंस रिक्वायर कर ली,
अटेंडेंस रिक्वायर करके आप क्या करोगे, पूछताछ करोगे, दैट इज एग्जामिन करोगे। ये 161 है। अब देखो कैसे इसमें कोहरेंस आ रहा है कि 160 के बाद का जो प्रोसेस है वो 161 में फॉलोड होगा, बट आप देखो ये जरूरी नहीं है कि 161 को फॉलो करने के लिए 160 पहले फॉलो हो। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट क्राइम सीन में जाते हैं, लेटर से किसी ने आके एफआईआर लॉन्च कराया, एफआईआर जैसे लॉन्च होता है फिर पुलिस ऑफिसर निकल के क्राइम सीन में जाके स्पॉट पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट कईयों से एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट 161 यहाँ कवर हो जाता है, 160 आया ही नहीं, राइट। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया 160 के बाद 161 फॉलो होगा। तो आइए समझते हैं 161 क्या कहता है। 161 कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे तो ओरली एग्जामिन कर सकता है उन पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, जब पुलिस स्पॉट पे जाती है क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहां पे कईयों से पूछती है क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किसने किया, कितने आदमी थे, उनके पास हथियार थी कि नहीं, गाड़ी में आए थे, बस में आए थे, किस चीज में आए थे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपको एग्जामिनेशन हो रही है अंडर सेक्शन 160। अब इनका ऑब्जेक्ट यही है सेक्शन 161 का कि जो भी एग्जामिनेशन कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उसको लेटर आप ट्रायल में यूज कर सके, जजेस को जो रिपोर्ट आप भेज रहे हैं उसमें यूज कर सके। अच्छा, जो भी ऐसे एग्जामिनेशन होती है इसमें आप देखो इसकी कॉपी जो होगी वो अक्यूज्ड को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी एग्जामिनेशन होगी 161 के अंदर, ये सारे बयान जो भी दर्ज होंगे, पुलिस दर्ज करेगी जो भी बयान, इसकी कॉपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज्ड को दी जाएगी। अब जो पर्सन एग्जामिन किए जा रहे हैं यहाँ पर, ये ड्यूटी बाउंड होते हैं कि सारे क्वेश्चंस का ट्रूली आंसर दें, राइट। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब लेट अस से हम लोग अब इस पर आते हैं ऑन एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ विटनेसेस, क्योंकि अब इस पे हम बढ़ रहे हैं तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो छोटा सा कंसेप्ट है, बीच में मैं ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी पड़ेगी। अच्छा, विटनेसेस जो भी होते हैं वो आप देखोगे तीन कैटेगरीज में होते हैं, पहला प्रोसिक्यूशन विटनेस, दूसरा डिफेंस विटनेस, तीसरा कोर्ट विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस मतलब आप देखो क्रिमिनल केस में हमेशा जो केस फाइल करती है वो होती है स्टेट। प्रोसिक्यूशन कौन सेट करता है मोशन में, स्टेट केस करती है, क्रिमिनल केस करती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, राइट। और अक्यूज्ड को कौन बचाता है, डिफेंस लॉयर। तो अपने पक्ष में जितने विटनेसेस लाते हैं अक्यूज्ड उसको कहते हैं डिफेंस विटनेस। और तीसरी वैरायटी होती है कोर्ट विटनेस, इसमें जब आप समझो जब चार्जशीट है, फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जिसको कहते हैं, चार्जशीट जब दी जाती है तो उसमें कई बार मेंशन होता है कि ये विटनेस थे जिनको ना ही प्रोसिक्यूशन यूज करती है ना ही डिफेंस यूज करते हैं, बट कोर्ट को लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट विटनेस हो सकते हैं, तो यहाँ कोर्ट उनको अपनी तरफ से एज अ विटनेस बुलाती है। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ विटनेसेस हैं, ठीक है। अब इसको समझने के बाद हम यहाँ पर आते हैं वापस सेक्शन 161 में, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि पुलिस चाहे तो ओरली एग्जामिन कर सकती है उन लोगों को जो कि उन विटनेसेस को जो एक्वेंटेड है फैक्ट्स से। अब लेट अस से किसी एक विटनेस को प्रोसिक्यूशन ने एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बुला लिया। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक सिचुएशन आपको देता हूँ। लेट अस से ये क्राइम स्पॉट एक्स है, यहाँ पे ये एक सब्जी बाजार है, इस सब्जी बाजार में कई सब्जी वाले हैं और यहाँ पे एक फाइट होती है,
एफरे क्या होता है इंडियन पिनल कोड के अंदर, आप हमने वीडियो वीडियो बनाया हुआ है ये, आप इन शॉर्ट समझो फ्री फाइट हो रही है दो या दो से ज्यादा लोगों में, और ये फाइट बहुत आगे चली गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई, पुलिस आके एक सब्जी वाले से पूछती है कि क्या हुआ बताओ, उसका एग्जामिनेशन कर रही है पुलिस अंडर सेक्शन 161। ऐसे में उस सब्जी वाले के बयान को वो दर्ज कर लेती है, और बाद में इसी सब्जी वाले को एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस अपने तरफ से बुलाती है। इस सिचुएशन में आप देखो क्या चांसेस होगा कि जो सब्जी वाला है वो पुलिस के ही पक्ष में बोले, राइट? चांसेस बहुत हाई है इसमें। तो इसमें क्या डिफेंस के पास, जो एक्यूज को बचा रहे हैं उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि इसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर सके इसके स्टेटमेंट को? ऑब्वियसली होनी चाहिए। यही चीज हम अभी पढ़ेंगे कि जहां पर जो पर्सन ओरल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इन आर केस दिस वेजिटेबल वेंडर, दिस हॉकर, ये क्या करते हैं कि इनको बुलाया जा रहा है एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो जो डिफेंस है वो सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकती है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको फिर से यही सिमिलर सिचुएशन आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इस केस में लेट अस से क्या हो रहा है, वेजिटेबल हॉकर के स्टेटमेंट को यूज करके पुलिस अपने पक्ष में कुछ और स्टेटमेंट रख रही है, जो स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है, बयान दिया है हमारे सब्जी वाले ने 161 के अंदर, उसी को यूज करके एक फैक्ट प्रूव करना चाह रही है प्रोसिक्यूशन, तो ये अलाउड नहीं है, तुम कॉरोबरेट नहीं कर सकते हो, आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट? ओके, पर आप देखो अब इसमें जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा अपने जस्ट पिछले स्लाइड में कि जो पर्सन एग्जामिन किए जा रहे हैं यहाँ पे वो ड्यूटी बाउंड है कि सारी चीज सच बोले, पर आप समझो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद को कुछ ऐसी बात बोल दें जिसके कारण वो खुद को एक्सपोज करें टू अ क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फोरफीचर, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, आप खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लॉ कमीशन की 180th रिपोर्ट सुओ मोटो खुद लिया था लॉ कमीशन ने ऑन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है इस पर, राइट? अब जैसे क्या होता है, अब आप समझो कई आईपीसी की प्रोविजन ट्रिगर होती है जहां पर 161 के अंदर आप बयान दर्ज कर रहे हो और या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप बोलना नहीं चाह रहे हो, ऑल दो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं है आपकी चीजें, बट फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो कई प्रोविजन ऑफ आईपीसी अट्रैक्ट हो सकती हैं, जैसे सेक्शन 179, 193, 177, 202 एंड 203, इनमें से कुछ भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। अब ये क्या होता है, क्यों अट्रैक्ट होंगी, इसकी वीडियो रेडी प्रिपेयर्ड है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हो, राइट? क्योंकि अभी मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगा तो देन अगेन वी हैव टू जंप डाउन टू इंडियन पिनल कोड एंड ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस बनी है इसकी, तो आई एम स्किपिंग दिस पोर्शन, आप वीडियो चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। अच्छा, अब क्या है कि जो स्टेटमेंट विटनेसेस ने दी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 161, इसको पुलिस ऑफिसर एज अ जनरल रूल राइटिंग में रिड्यूस कर सकते हैं और अपने केस डायरी में एंटर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन के दौरान ली गई है। अच्छा, अब एक आप देख लो इसमें मे बी रिकॉर्ड, तो डिस्क्रिशन है पुलिस ऑफिसर के पास कि वो करे या ना करे, बट ऐसे जनरली इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, पुलिस की ट्रेनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, और ये कहा जाता है कि आप कुछ भी बयान ले रहे हो तो उसको अपने डायरी में एंटर करो।
अब ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आप सोचो कई बार क्या होता है कि अब जो स्टेटमेंट्स हैं जो बयान दर्ज की गई है अंडर 161, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान काम आती है। एक पुलिस ऑफिसर, कई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बीच में किसी का ट्रांसफर हो गया, पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई, किसी और के पास इन्वेस्टिगेशन चला गया, ऐसा बहुत होता है। तो ऐसे में जो पिछले इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हुई है उसकी एक रेफरेंस रेडी प्रिपेयर्ड होती है कि ये हुआ था, ऐसे ऐसे बयान है इनकी, ये विटनेस का को एग्जामिन किया गया है। तो इसीलिए लॉजिकल एक है कि जो भी बयान ओरली हुआ है 161 के अंदर उसको रिटेन में अपनी केस डायरी में पुलिस एंटर कर लेती है। अच्छा, अब जो जो भी बयान पुलिस देंगे, विटनेसेस देंगी पुलिस को ओरली, और जिसको पुलिस बाद में रिटेन में लिखित करेंगे, रिड्यूस करेंगे उसको, बाद में उतारेंगे लिखित में, वो लिखित बयान को विटनेस साइन नहीं करेगी। ये 162 सबसेक्शन 1 में दिया है, ये बाद में हम अभी पढ़ेंगे। अब आप देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। 161 में क्या देखा हमने कि विटनेस की स्टेटमेंट को दर्ज करेंगे, इसका मतलब बहुत वाइड मीनिंग है। ओरल स्टेटमेंट, जेस्चर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब इसमें नंदिनी सप्तपति केस है, जो अगेन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 गैम्बिट को डिस्कस करती है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग थिंग नहीं आप किसी विटनेस से बुलवा सकते हो, राइट। अब हम एक यूएस केस लॉ, दैट इज मिरांडा वर्सेस एरिजोना, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी साइटेड होता है जहां भी सेक्शन 161, 162, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये चीजें जहां भी केसेस में इन्वॉल्व है वहां आप देखोगे मिरांडा वर्सेस एरिजोना, यूएस की जो केस है, इसका रेशियो इन्वॉल्व होता ही होता है। तो मैं इसके फैक्ट्स, हल्का सा छोटा सा केस एनालिसिस करता हूँ मिरांडा वर्सेस एरिजोना का, क्योंकि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो आप देखो केस 1963 का है कि अरेस्ट ऑफ फिनिक्स रेसिडेंट अर्नेस्टो मिरांडा, अर्नेस्टो मिरांडा नाम के एक रेसिडेंट है, उनको अरेस्ट किया जाता है ऑन चार्ज ऑफ रेप, किडनैपिंग एंड रॉबरी। अब मिरांडा को इन्फॉर्म नहीं किया गया था भाई पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन्होंने मिरांडा को उनके घर से अरेस्ट किया था, मिरांडा को उनके राइट्स के बारे में नहीं बताया था पुलिस ने, और इंटरोगेट किया उनको 2 घंटे तक, उनको इंटरोगेट किया, और फाइनली मिरांडा से वो एक कन्फेशन साइन करवाते हैं रिगार्डिंग कि उन्होंने क्राइम कमिट किया है, और उसको पुलिस अपेरेंटली रिकॉर्ड कर लेती है। अब मिरांडा क्या 9th ग्रेड भी फिनिश नहीं करा था मिरांडा ने, और उसको हिस्ट्री ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी था, और उसके पास कोई काउंसिल भी नहीं था, दैट इज कोई एडवोकेट भी नहीं था मिरांडा के पास जो उसको हेल्प कर सके उसके डिफेंस में काम आए। तो एट ट्रायल जो प्रोसिक्यूशन थी हमारे यहाँ यूएस में, कि दैट इज द स्टेट, उसने सोलली उस कन्फेशन पे ज्यूरी ट्रायल के थ्रू इसको कन्विक्ट करा दिया मिरांडा को, और यहाँ पे कन्विक्शन क्या हुई ऑफ बोथ रेप एंड किडनैपिंग, एंड इसको सेंटेंस कर दिया गया टू 20 to 30 years इन प्रिजन। अब मिरांडा अपील करता है एरिजोना सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्लेम करता है कि पुलिस ने अनकंस्टिट्यूशनली उसके कन्फेशन को लिया। यहाँ पे अब कोर्ट इनिशियली डिसअग्री करती है, फर्स्ट अपेलेट कोर्ट थी वो डिसअग्री करती है, बट जब फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, पहला एरिजोना सुप्रीम कोर्ट के पास गया यूएस की, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको जिसको कहूँ कोर्ट हायरार्की अगर डिस्कस करूँ, तो जितने भी फेडरेशंस हैं यूएस के अंदर, सब फेडरेशंस की एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि फाइनली एक यूएस की एक सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे होती है। तो पहला अपेलेट होता है आपको फेडरेशन की सुप्रीम कोर्ट, सेकंड एंड फाइनल अपेलेट कोर्ट होता है यूएस की सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनल अपेलेट कोर्ट में जब मिरांडा ने अपील किया रिगार्डिंग उसकी कन्विक्शन और उसके कन्फेशन को जैसे अनकंस्टिट्यूशनली लिया था, तो फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट कहती है कि
ये गलत हुआ था, मिरांडा को अनकंस्टिट्यूशनली उसके कन्फेशंस को लिया गया था, तो 5-4 की डिसीजन आई थी जहां पे ये रूल हुआ था कि प्रोसिक्यूशन कुड नॉट इंट्रोड्यूस मिरांडाज कन्फेशन एज एविडेंस, मिरांडा की कन्फेशन को एज एन सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं लिया जाएगा because police had failed to inform Miranda about his right to an attorney and against self-incrimination. क्योंकि investigating officers ने Miranda को ये नहीं बताया था कि उसके बयान को जो दर्ज हुई है उसको against उसके right of self-incrimination, Indian Constitution के हिसाब से हम Article 20 Clause 3 जिसको कहें, उसको incriminate किया जा सकता है. इसीलिए ये रूलिंग हुई जिसको नंदनी सत्यपति केस में भी यूज किया गया. तो ये था मिरांडा वर्सेस एरिजोना. अब हम आते हैं सेक्शन 162. 162 डिस्कस करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड टू पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. 161 के अंदर जो बयान दिया उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, क्या वो एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस ली जाएगी या फिर कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए या कोरोबोरेट करने के लिए, किस लिए ली जाएगी, ये 162 बताता है. तो आइए हम समझते हैं 162. तो आप समझो सेक्शन 162 पुट्स फॉरवर्ड दैट कोई भी, सबसे पहले आप देखो 162 दो पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट वन कहता है कि कोई भी बयान जो पुलिस दर्ज करती है इन्वेस्टिगेशन के टाइम वो अगर राइटिंग में रिड्यूस की गई है, क्योंकि 161 में हमने क्या देखा कि पुलिस विल ओरली एग्जामिन and may reduce it in writing. तो अगर writing में reduce की गई है तो वो sign नहीं की जाएगी by the person making such statement. Second part कहता है, talks about evidentiary value of such statement, कि क्या जो बयान 161 के अंदर ली गई है क्या उसको आप as an evidence, substantive evidence use कर सकते हो. तो ये डिस्कस करता है 162, ये दो चीजें डिस्कस करता है 162. तो आप समझो पहले ये कहता है कि 162 के अंदर की स्टेटमेंट साइन नहीं होगी, दूसरा कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है. तो आइए हम थोड़े से में बात करते हैं अबाउट एविडेंशियरी वैल्यू. ये सिंपली कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस लेते हैं अंडर 161, वो जो बयान है ये, if it is reduced in writing, it will, और orally भी अगर वो ली गई है, तो सारी statement आपको during investigation, जो भी statement ली गई है, whether वो police diary में हो या otherwise हो, orally हो, written हो, वो use नहीं की जाएंगी for the purpose of inquiry या trial. In respect of any offence which is under investigation at the time when such statement was made. तो अगर मैं simple terms में बोलूं, तो 161 के अंदर जो बयान investigation के time police ने दर्ज किया है, police उसी statement को as an evidence नहीं use कर सकती है, कहाँ? Inquiry और trial. अब आपको क्या समझना है यहाँ? Inquiry, investigation, trial, इनमें difference क्या होता है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मोस्टली करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करते हैं, ट्रायल तो ऑब्वियसली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही आपको करते हैं. ट्रायल हो गया जहां पे केस आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग जहां शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन हो गया एक स्टेप बिफोर ट्रायल, इंक्वायरी भी हो गया एक स्टेप बिफोर ट्रायल, राइट. अब इसकी कोर डिफरेंस क्या है, ये वीडियो है हमारा ऑन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल, इसमें आप जाकर चेक करो कि क्या कोर डिफरेंस है. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको छोटे में बताया. अब 161 के सामने, 161 के अंदर जो भी बयान ली गई है द्वारा वाया पुलिस, उसको पुलिस 162 के अंदर एज एन एविडेंस, एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस आपको इंक्वायरी या ट्रायल में यूज नहीं करेगी. अब इंक्वायरी और ट्रायल किस चीज का, इंक्वायरी ऑफ ट्रायल विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन,
अब इसके कुछ कुछ ये देखो, एक एक आपको दिख रहा होगा एक बैन है यहाँ पर, एक बार लगाया गया है, पर ये बार ब्लैंकेट बार नहीं है। जो 161 के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको आप इंक्वायरी या ट्रायल में यूज नहीं करोगे, फायदा क्या हुआ फिर वैसे स्टेटमेंट्स लेने का। ये जो बार है ये ब्लैंकेट बार नहीं है, इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इन एक्सेप्शंस को हम देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो ये ब्लैंकेट बार नहीं है और इसके एक्सेप्शंस हैं, आपको आप समझो यहाँ पर। कि जहां पर स्टेटमेंट अगर मान लो किसी पर्सन एक्स ने दिया है और इस एक्स को एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाया जा रहा है, सेम एग्जांपल आप देखो जो सब्जी वाले के एग्जांपल मैंने दिया था अभी कुछ देर पहले, एक वेजिटेबल मार्केट में अफरे हुई है, वहां पुलिस जाकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक सब्जी वाले को एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बुला रही है, क्या डिफेंस के पास राइट नहीं होना चाहिए कि ऐसे में उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर सके। वही 162 बताता है कि ऐसे में ये, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 161 के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको ट्रायल या इंक्वायरी में यूज नहीं करेंगी पुलिस, बट वो बार ब्लैंकेट बार नहीं है। अगर मान लो पुलिस कुछ ऐसा कर रही है, अपने बंदों को बुला लिया एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो ये तो वन साइडेड केस हो गया। इसीलिए डिफेंस के पास राइट है कि वो ऐसे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को 145 के अंदर कॉन्ट्रेडिक्ट करे। अब आप देखो कॉर्पोरेट करने के लिए आपने यूज कर सकते हो, सेक्शन प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेटिंग। अब आप मान लो जैसे मैं कहूं कि इसके जो स्टेटमेंट बयान है 161 के अंदर, लेट अस से इसी सब्जी वाले के वेजिटेबल हॉकर के कुछ बयान को 161 के अंदर जो यूज किया प्रोसिक्यूशन ने, उसी को यूज करके एक और स्टेटमेंट प्रूफ कर रही है सेकंड स्टेटमेंट, ये क्या हो गया कॉरोबरेट करना, ये अलाउड नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्ट अलाउड है। कॉन्ट्रेडिक्ट भी कौन कर सकता है, एक्यूज्ड। ऑलराइट, अब फाइनली हम आते हैं सेक्शन 163 में, जो कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो पुलिस ले रही है तो वो थ्रेट या प्रेशर इंड्यूसमेंट यूज नहीं करेगी। तो इसमें आप देखो, पर मान लो कहीं भी कोई ऐसा विटनेस है जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है ऑफ फ्री विल, जो अपनी स्वेच्छा से कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो पुलिस उसको स्टॉप नहीं करेगी। ये एक प्रोविजन है 163 का। तो ऐसे में हम, ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 160 से लेके 163 तक। तो अगली वीडियो में हम सेक्शन 164 डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।